नमस्कार, आप देख रहे हैं सच के साथ इंडिया समाचार। उत्तर प्रदेश कानपुर की खास खबर, आज दिनांक 27/10/2021 दिन बुधवार, जागृत हॉस्पिटल हंसपुर आवास विकास में सर्व दिव्यांग एवं महिला सशक्तिकरण सेवा संस्थान मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सहयोग से कोविड-19 कैंप का आयोजन किया गया। संस्था की अध्यक्ष रेणु गुप्ता एवं हमारे बड़े भाई जागृत हॉस्पिटल के डॉक्टर श्री यूएस सिंह जी, डॉक्टर श्रीमती संगीता सिंह के सहयोग से इनम माधुरी देवी, आशा मधुलता देवी, अंजलि देवी ने लोगों का टीकाकरण किया एवं समिति के अन्य सहयोगी सरिता सिंह, पूजा सरोज, प्रभाकर गुप्ता, ममता ने रजिस्ट्रेशन कर कैंप का कार्यक्रम संपूर्ण कराने का कार्य संपन्न किया, जिसमें 250 का टीकाकरण किया गया और मुंह में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर संबोधित भी किया गया। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कल 28 तारीख को जैन हेल्थ केयर सेंटर ससैया घाट पे एक कैंप का आयोजन निःशुल्क किया जा रहा है, जो कैंप हमारा होम्योपैथिक, फिजियोथेरेपी और डेंटल का है, जिसमें होम्योपैथिक आजकल पूरे शहर में, पूरे देश में डेंगू और चिकनगुनिया बहुत स्तर पर फैला हुआ है, जिसका इलाज बहुत ही मुश्किल होता है। लोग मरीज तरफ तरफ का मरने की पोजीशन पे आता है और हॉस्पिटल में लूट मची हुई है, पर उसका इलाज हमारा निःशुल्क होगा और हमारे डॉक्टर हेमंत कुमार जी जो अयोध्या धाम से हैं, वो गारंटी दे रहे हैं कि हम किसी को भी परेशान होने नहीं देंगे और उनकी निःशुल्क हम लोग यहाँ पे कल सेवा करेंगे। और कैसे करेंगे वो हमारे डॉक्टर हेमंत कुमार जी बताएंगे आपको। जो दिगंबर जैन औषधालय सरसैया घाट में निःशुल्क होम्योपैथिक, फिजियोथेरेपी और दंत शिविर का आयोजन हो रहा है। हम समझते हैं कि प्रदेश में ऐसा पहला सेंटर है जहां पर इस प्रकार की अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं। बहुत कम उसमें मरीजों को बहुत अच्छा उपचार मिल रहा है। कल बहुत वृहद स्तर पर निःशुल्क होम्योपैथिक स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। जैसा अभी आपको संदीप जैन जी ने बताया, उनके साथ साथ हमारे राजीव जैन जी और समस्त जैन बंधुओं के आह्वान पर निःशुल्क होम्योपैथिक स्वास्थ्य मेले का आयोजन हो रहा है। इस समय कोरोना की सेकेंड लहर जा चुकी है, उसके बाद डेंगू ने दस्तक दे दी है और पूरे देश में हाहाकार अभी कोरोना से मचा ही हुआ था कि डेंगू ने आकर पैर पसार लिए और हम सब देशवासियों की कमर तोड़ दी। अगर किसी को भी झाड़ा देकर जोड़ों में दर्द, जी मिचलाना, सर दर्द, घबराहट, उलझन, बेचैनी, लूज मोशंस हो रहे हैं, तो ये सब डेंगू और चिकनगुनिया के लक्षण हैं। इसमें आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अधिक से अधिक संख्या में कल सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे तक दिगंबर जैन औषधालय सरसैया घाट में आइए और लक्षणों पर आधारित उच्च गुणवत्ता वाली होम्योपैथिक दवाइयाँ आप लोग को सबको निःशुल्क मिलेंगी। अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस निःशुल्क कैंप का फायदा उठाएं। बहुत से लोग अभी कोरोना से ठीक हुए थे, उनके लंग्स में उनके फाइब्रोसिस हो गई थी कि डेंगू ने आकर उनके फेफड़े और कमजोर कर दिए हैं। होम्योपैथी की दवाइयों से प्रतिरोधक क्षमता बहुत तेजी से बढ़ती है। हमारे संदीप जैन जी ने उच्च स्तर पर सारी दवाओं का कल इंतजाम किया हुआ है और हम समझते हैं कि किसी को भी अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो 15 लाख 20 लाख में ठीक हो रहे हैं, यहाँ से निःशुल्क होम्योपैथी दवाई लें और हम वादा करते हैं 2 से 3 दिन के अंदर डेंगू चिकनगुनिया के समस्त स्टेजेस का उपचार संभव है। बहुत से लोग लाखों रुपए खर्च करके अस्पताल में जाकर प्लेटलेट काउंट चढ़ा रहे हैं। हमारी होम्योपैथी दवाइयों से चाहे 15 दिन का बुखार हो, डेंगू के साथ इस समय चिकनगुनिया और टाइफाइड का भी स्ट्रेन बहुत तेजी से हावी है। होम्योपैथी दवाइयाँ लीजिए, 104 बुखार आ रहा है, ठंडे पानी की पट्टी करते रहिए और साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना होने दीजिए, नमक शक्कर का घोल लेते रहिए। और हम समझते हैं कि इस निःशुल्क होम्योपैथी कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर कैंप को सफल बनाएं।